नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं चैनल एम्बिशन ट्यूटोरियल एंड कंसल्टेंसी। दोस्तों, जिन युवा अभ्यर्थियों को IAS, IPS, IRS और IFS जैसे सेवाओं में जाने का शौक़ है या फिर जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए ही है। यानी कि हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के विषय में। यानी कि उसके अंतर्गत जो मेन्स एग्ज़ाम्स होता है उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो सिलेबस है वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। खासकर जो विद्यार्थी, जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी मायने रखता है दोस्तों। इससे पहले एग्रीकल्चर पर मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उन पर भी वीडियो बन चुके हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के पैटर्न और डिटेल्ड सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया का वीडियो भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक कर रखा है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। तो देर किए बिना चलिए चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं सिलेबस की तरफ, क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर वन, इसमें भी पेपर वन और पेपर टू है, ठीक है। जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनमें दो पेपर हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन में क्या क्या पढ़ना है, सर्किट थ्योरी, ठीक है। सर्किट थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को पॉज करके आप अपने नोटबुक्स में इसको कॉपी कर सकते हैं दोस्तों। क्या क्या पढ़ना है आप देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद पढ़ना है सिग्नल्स एंड सिस्टम, ठीक है। सिग्नल्स एंड सिस्टम में क्या पढ़ना है देखिए नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इन तमाम प्रकार के चीज़ टॉपिक्स जो इनको पढ़ने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना इसे कम पढ़ना है। ईएम थ्योरी, ठीक है। तीसरा है ईएम थ्योरी। ईएम थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। करैक्टरिस्टिक एंड इक्विवेलेंट सर्किट्स, ठीक है। BGT, GEFET, MOSFET, डायोड सर्किट, इस प्रकार के चीज़ आपको पढ़ने हैं, इस प्रकार के टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पढ़ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पाँच नंबर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, इसी में से आपको तैयारी करना है। इस वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक्स में इसको कॉपी कर सकते हैं दोस्तों। एनर्जी कन्वर्सन, ठीक है। एनर्जी कन्वर्सन के विषय में आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किस प्रकार के इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, किस प्रकार के मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे, इन प्रकार के चीज़ पढ़ना है। ट्रांसफार्मर वगैरह के विषय में इसमें पढ़ना है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के विषय में पढ़ना है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या क्या आपको जानना है। सेमीकंडक्टर, पावर डिवाइस, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्राइरिस्टर, ट्रैक, GTO, MOSFET, इन तमाम प्रकार के चीज़ आपको पढ़ने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। एनालॉग कम्युनिकेशन, ठीक है। एनालॉग कम्युनिकेशन के विषय में जानना है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ है, सिग्नल्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, AM और FM सिग्नल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये टोटल प्रकार के यह वेवलेंथ संबंधित चीज़ है, इन चीज़ का अध्ययन आपको करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या पढ़ना है, पेपर टू आ गया। पेपर टू में क्या क्या पढ़ना है, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है। अब कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या टॉपिक्स है आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर के विषय में पढ़ना है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर के विषय में जानना है।
पीसी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सीपीयू क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, रजिस्टर सेटिंग सेटिमिंग डायग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, इंटरप्ट क्या है, मेमोरी इंटरफेसिंग क्या है, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग क्या है, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल डिवाइस के बारे में अध्ययन करना। उसके बाद मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स ये फिजिक्स का भी विषय है। एरर एनालिसिस करना है, मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस, इंडक्शन, कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी, ब्रिज मेजरमेंट, सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मल्टीमीटर, CRO, डिजिटल वोल्टमीटर, फ्रीक्वेंसी काउंटर, क्यू मीटर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, डिस्टोरेशन मीटर, ट्रांसड्यूसर, थर्मोकपल, ट्रांसमीटर, LVDT, स्ट्रेन गेज, पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, इन तमाम प्रकार के चीज़ टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या क्या जानना है आपको। पावर सिस्टम एनालिसिस एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम के विषय में आपको जानना है। पावर सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इसके विषय में जानना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, ठीक है, पावर सिस्टम से जुड़ी जो प्रोटेक्शन है उसके विषय में जानना है। कंप्यूटर एडेड प्रोटेक्शन, इसमें पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ ओवर करेंट, डिफरेंशियल एंड डिस्टेंस प्रोटेक्शन, कंसेप्ट ऑफ सॉलिड स्टेट रिलेज, सर्किट ब्रेकर्स, लाइन बस जनरेटर, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, न्यूमेरिक रिलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ DSP टू प्रोटेक्शन। ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन के विषय में आपको जानना है। डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहीं तक आपको पढ़ना है दोस्तों, इससे अधिक नहीं पढ़ना है ना इससे कम पढ़ना है। ठीक है, तो जिन युवा अभ्यर्थी जो युवा अभ्यर्थी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो ये उनके लिए विषय एक विकल्प हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही है दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक्स कीजिएगा, साथ में कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी विशेष रूप से फ़ायदा हो सके दोस्तों। तो बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।